सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल स्टार गुरु को, और दोस्तों इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए एकदम लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा वाकया बताने जा रहे हैं जिससे ये पता चलता है कि इंसान को कभी भी अपने ताकतवर और मालदार होने का गुरूर नहीं करना चाहिए। दोस्तों अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, ऐसा शख्स जन्नती नहीं बन पाएगा जिसमें जर्रे बराबर भी गुरूर या घमंड होगा, क्योंकि दोस्तों गुरूर करने का बदला हमेशा ही नीचा होता है, और जो किसी जरूरतमंद की मदद नहीं करता उसे अल्लाह तबारक व तआला भी अपना दोस्त नहीं मानता। दोस्तों एक दफा का वाकया है, एक बहुत बड़ा रईस पैसे वाला अपने बीवी के साथ दस्तरखान पर बैठा खाना खा रहा था। दस्तरखान दुनिया भर की नियामतों से मालामाल सजा हुआ था। इतने में एक फकीर ने दरवाजे पर सदा लगाई कि अल्लाह के नाम पर कुछ खाने को दे दो, काफी दिनों से भूखा हूँ। उस शख्स ने अपनी बेगम को हुक्म दिया कि सारे का सारा दस्तरखान उठाकर इस फकीर की झोली में डाल दो। उसकी बीवी ने बिल्कुल वैसा ही किया, सारे पकवान पैक करके उस फकीर को देने के लिए घर के दरवाजे पर गई, और जैसे ही वो सारे पैकेट उस फकीर की झोली में वो डाल रही थी, इतने में उस फकीर की नजर उस औरत के चेहरे पर पड़ी तो वो बावज बुलंद जारों कतार रोने लगा। तो उस औरत के सोहर ने फकीर से रोने की वजह पूछी तो उस औरत ने बताया कि ये जो फकीर है जो हमारे दरवाजे पर आया है, ये कभी मेरा सोहर था। कई साल पहले ये इस शहर का मालदार तरीन आदमी और इस कोठी का मालिक था। चंद साल पहले की बात है कि हम दोनों भी इसी तरह दस्तरखान पर बैठे खाना खा रहे थे कि एक फकीर ने सदा लगाई कि अल्लाह के नाम पर कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है। ये शख्स दस्तरखान से उठा और बाहर दरवाजे पर जाकर फकीर की इस कदर पिटाई की कि वो फकीर बेचारा लहूलुहान हो गया। मालूम नहीं उस फकीर ने इस शख्स को ऐसी क्या बद्दुआ दी कि हालात दिन ब दिन खराब होते चले गए, कारोबार ठप हो गई, घर बिक गया, हम कोड़ी कोड़ी के मोहताज हो गए। परेशानी के आलम में इस शख्स ने मुझे भी तलाक दे दिया। इसके कुछ साल गुजरने के बाद मेरा निकाह आपके साथ हो गया। सोहर बीवी से ये इबरतनाक किस्सा सुनकर उदास हो गया और कहने लगा, बेगम क्या तुम्हें ये मालूम है कि वो फकीर कौन था? बेगम ने कहा कि जी नहीं। तो सोहर कहने लगा, वो फकीर में ही था। बीवी बहुत बेहरान हुई और कहने लगी, या अल्लाह ये कैसा इंसाफ, इस जालिम शख्स की एक एक चीज इस फकीर को दे दी, यानी इसका माल, कोठी, गाड़ी और यहाँ तक कि इसकी बीवी भी छीन कर इस फकीर की झोली में डाल दी। दोस्तों तारीख इस तरह के इबरतनाक वाक्यों से भरी पड़ी है। बस इंसान को चाहिए कि ऐसे इबरतनाक वाक्यों से इबरत हासिल करे, क्योंकि ये सब चीजें अल्लाह ही अता करता है और न जाने कब वो वापस छीन लेता है। दोस्तों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, ऐसा शख्स जन्नती नहीं बन पाएगा जिसमें जर्रे बराबर भी गुरूर या घमंड होगा। अल्लाह के रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुसलमान लोगों को हमेशा सफेद लिबास पहनना चाहिए। आपकी यह बात सुनकर एक शख्स ने सवाल किया कि हर आदमी यह चाहता है कि उसके कपड़े अच्छे हों, उसके जूते अच्छे हों, तो क्या इसको भी गुरूर माना जाएगा? उसकी यह बात सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि गुरूर या घमंड का मतलब ये नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमेशा खूबसूरती को पसंद करते हैं। घमंड यह होता है कि जो इंसान हक बात को ना हक बता दे, या फिर अपने से जुदा लोगों को कुछ ना समझे, या फिर अपने से कमजोर या कम पैसे वालों को इज्जत ना दे। सही मुस्लिम शरीफ। दोस्तों अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह हमें अच्छे अमाल करने की तौफीक दे। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में इस इबरतनाक किस्से को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।